नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राष्ट्र में सांगली के कड़ेगांव पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कार्यकर्ता अपने सभी बीजेपी वालों को डरा के रखा है। पतंग राव कदम ने विकास का काम किया है, कांग्रेस के साथ पूरे दिल से पूरी जिंदगी खड़े रहे। इंदिरा गांधी चुनाव हारी तब भी कदम उन्हीं के साथ थे। रात 2 बजे मीटिंग बुलाई थी। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी आरएसएस के लोग कहते थे कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले आरएसएस ने कहा कि हाँ, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि ये जरूरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? उन्होंने आगे कहा, कुछ भी हो जाए, कांग्रेस और हमारा गठबंधन जातिगत जनगणना करवाएगी, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है और किसको नहीं हो रहा है। सांगली में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनका गठबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। राहुल ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस की विचारधारा का गढ़ है, यहाँ के लोगों में उनकी पार्टी का डीएनए है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पतंग राव कदम की जिस प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया वह कम से कम 60 साल तक खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने सांगली जिले में कांग्रेस के दिवंगत नेता पतंग राव कदम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कदम ने महाराष्ट्र में कई विभागों में मंत्री पद संभाला था। कई वर्षो तक पलूस काडेगांव विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले कदम की प्रतिमा जिले के वांगी में स्थापित की गई है। गांधी ने वांगी में दिवंगत नेता को समर्पित एक संग्रहालय का भी दौरा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रभारी रमेश चेन्नीथला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार, कोल्हापुर के सांसद शाहू छत्रपति, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस के राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात इस कार्यक्रम में मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। उन्होंने कहा, अपने सभी भाजपा वालों को डरा के रखा है। पतंग राव कदम ने विकास का काम किया, कांग्रेस के साथ पूरे दिल से पूरी जिंदगी खड़ी रहे। इंदिरा गांधी चुनाव हारी तब भी कदम उन्हीं के साथ थे। रात 2 बजे मीटिंग बुलाई थी। महाराष्ट्र एक अग्रणी राज्य है। मैंने खड़गे जी से कहा, मैं आपके साथ कर्नाटक आता हूं तो आप खुश होते हो, आप महाराष्ट्र आते हो तो भी खुश होते हो। महाराष्ट्र में कांग्रेस की विचारधारा गहरी है। राहुल ने कहा, आज यह लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। इससे पहले यह लड़ाई फूले और शिवाजी ने लड़ी थी। यही विचार हमारे संविधान में है। बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा, जहां अपने लोग डालने हैं वहां अपने लोग घुसा देते हैं, मेरिट नहीं देखते। एक ही मेरिट है, आप आरएसएस के हो तभी आप मेरिट के हो। हमने आरक्षण की बात की, जातीय जनगणना की बात की, बीजेपी के लोग कहने लगे नहीं। आरएसएस के लोग कह रहे हैं यह नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले आरएसएस ने कहा अब जातीय जनगणना होनी चाहिए, फिर पहले क्या बोल रहे थे? राहुल ने कहा, 60 साल में कदम ने कभी माफी नहीं मांगी। माफी वही मांगता है जो गलत काम करता है। पीएम ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ। क्यों मांगी? आरएसएस के व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मूर्ति के बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। अदानी और अंबानी सरकार क्यों चला रहे हैं? अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते। हिंदुस्तान का नया मॉडल है, चीन से माल लेते हैं। अब 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, बेरोजगार और गरीब का हिंदुस्तान और दूसरा मोदी और अडानी का हिंदुस्तान। 16 लाख करोड़ 22-25 लोगों को दिया है, उनका कर्जा माफ किया है। हमने 70,000 करोड़ किया है, अब गरीबों का भी कर्ज माफ होना चाहिए। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।